मुझे ये बताओ इसका नाम होला राम क्यों रखा? क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा बाजी, लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड न्यूज मूवी के 18 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और दोस्तों साथ ही साथ हम बात करेंगे इस फिल्म के डायरेक्शन, बजट और दोस्तों स्क्रीन काउंटिंग की, और हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने अपने 18 दिनों में विदेशी मार्केट से कमाए हैं कितने करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन और दमदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की, आप देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस साल के मच अवेंटेड फिल्म गुड न्यूज के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी फिल्म है जिसके अंदर अक्षय कुमार सर, कियारा आडवाणी, करीना कपूर और दिलजीत दोसांझ जैसे बेहतरीन एक्टर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्शन दी है राज मेहता ने और फिल्म को प्रोड्यूस करा है धर्मा प्रोडक्शन कंपनी ने। वहीं पर दोस्तों फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट है 80 करोड़ रुपए और फिल्म को हम सबके बीच में 3100 स्क्रीनों पर लॉन्च करा गया। वहीं पर दोस्तों जहां पर इस फिल्म को इतनी कम स्क्रीनों पर लॉन्च करा गया उसके बावजूद भी फिल्म ने काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी बताई और अभी तक इस फिल्म ने काफी शानदार कलेक्शन कर लिया है। अगर दोस्तों बात करें फिल्म के पब्लिक रिव्यू की तो पब्लिक रिव्यू काफी शानदार निकल के आए हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म के कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में कमाए 127 करोड़ 90 लाख रुपए, वहीं पर फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते 53 करोड़ 46 लाख रुपए, वहीं पर दोस्तों यह फिल्म अपने 18वें दिन की ऑक्यूपेंसी बता रही है लगभग 2.5 करोड़ रुपए की। और इसी के साथ में इस फिल्म का 18 दिनों का इंडिया का नेट कलेक्शन हो चुका है 192 करोड़ 50 लाख रुपए, वहीं पर ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 224 करोड़ रुपए। और दोस्तों यह फिल्म ओवरऑल से कमा चुकी है 68 करोड़ रुपए, वहीं पर इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 292 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां पर फिल्म का बजट है 80 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडिया के नेट कलेक्शन में 192 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया, यानी कि दोस्तों फिल्म काफी जल्द हम सबके बीच में ब्लॉकबस्टर होने के लिए तैयार हो चुकी है। और दोस्तों यह फिल्म करियर की अक्षय कुमार सर के तीसरी फिल्म हो जाएगी जो कि 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी और 2019 का बेस्ट साल बना देगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गुड न्यूज की सभी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।